एक दिन मैं चले गया अपने दोस्त की दुकान में, जहां पे मुझे मिला गया येलो कलर का सैंड टाइमर। ये सैंड टाइमर देखते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं भाई बहन या जो भी, मेरे को ये सैंड टाइमर बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। मुझे नहीं पता ये सैंड टाइमर, मुझे इन जनरल सारे दुनिया के सारे सैंड टाइमर्स बहुत पसंद है, और मुझे ये भी पसंद आ गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्या मैं इसको खोल के इसका रिव्यू बना सकता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि भाई देख, ये 99 रुपीज़ का सैंड टाइमर है, अगर तूने इसको तोड़ा तो तुझे मुझे 99 रुपीज़ देने पड़ेंगे, बट जबकि तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे इसे 90 रुपये में या 80 रुपये में दे दूंगा, लेकिन पैसे तो तुझे भरने पड़ेंगे इसको तोड़ने के बाद। तो मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, मैं 7 साल से तो बड़ा हूँ ही, मैं शायद से इसको नहीं तोड़ूंगा। तो फिर ये सैंड टाइमर मैंने अपने हाथ में लिया, इसका डब्बा खुल नहीं रहा था, तो मैंने उसको बोला भाई तू ये डब्बा मुझे खुद ही खोल के दे, वरना मैं ऐसे फाड़ दूंगा। तो उसने मुझे डब्बा खोल के दिया और इस सैंड टाइमर को मैंने अपने हाथ में लिया, और नीचे थी मेरी कांच, उसने जैसे ही डब्बा हटा लिया तो ये सैंड टाइमर दिखने लग गया मैं। और अगला ही सवाल मेरे दिमाग में आया कि यार ये सैंड टाइमर कितना मिनट का है। तो फिर मैंने एक सिंपल सी चीज़ की, दोस्त को बोला तू इसके बीच में मत आ, लेकिन फिर भी वो इसके बीच में आ ही गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कभी ना कभी तो वो आने ही वाला है बस। और मैंने लगा दिया एक टाइम लैप्स, देखिए मेरा दोस्त आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी अच्छा ही लग रहा है। दूसरी बार आया, वो भी अच्छा ही लग रहा है। तो मैंने तीसरी बार उसको बोला भाई ये क्या है। तो जैसे ही वक्त खत्म हो गया, मुझे पता चला कि ये सैंड टाइमर है 2 मिनट का।